किसी भी व्यक्ति के जीवन में परेशानियाँ और खुशियाँ दोनों ही आती जाती रहती हैं, लेकिन इसका एक कारण होता है और वो कारण होता है हमारे ग्रह जो विचरण करते हैं हमारे ब्रह्मांड में। हमारे जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके जन्म से ही उसकी कुंडली जो है बना ली जाती है और ग्रहों की स्थिति और बहुत सारी चीज़ों का आकलन करके वो कुंडली बनाई जाती है। उस जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं जिसमें 9 ग्रह विचरण करते हैं और कभी ना कभी कोई ना कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है जिसकी वजह से हमारे जीवन में परेशानियां और खुशियां आती जाती रहती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप जानते हैं कि आपको किस वजह से ये परेशानी हो रही है तो आप उस ग्रह के बारे में उपाय भी कर सकते हैं, जिसके कारण जो आप उपाय करेंगे, जो मैं आपको उपाय बताऊंगी, वो उपाय करने से आपकी जो परेशानियां हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं सभी ग्रहों के बारे में और उनके उपाय के बारे में। मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करती हूं। ग्रहों के प्रभाव से हमारे जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है और इनके उपाय का जो उल्लेख है वो हमारे शास्त्रों में भी दिया गया है। ग्रहों के बिगड़ने पर किए जाने वाले उपाय के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल ख़त्म ना करके उनको थोड़ा बहुत कम तो हम कर ही सकते हैं। तो अगर आज मैं आपको बताऊंगी सब ग्रहों के बारे में और उनके उपाय, आपको अगर आपको पता है किस ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में जो है वो खराब चल रही है तो आप वो अगर उपाय करेंगे तो वो उपाय करने से जो उनकी बिल्कुल ख़त्म आपकी परेशानियां नहीं लेकिन काफ़ी हद तक उन आपकी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी या फिर उनका जो प्रभाव है आपके जीवन से ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सूर्य की दशा बुरी है तो उसे सूर्य की उपासना ज़रूर करनी चाहिए। सूर्य देव को सुबह उठकर जल चढ़ाएं। इसलिए सूर्य देव को अगर आप वैसे भी नॉर्मली भी जल चढ़ा देंगे, रोज़ डेली जल चढ़ाएंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है अगर आपको लगता है सूर्य की स्थिति खराब है, और रविवार के दिन तो ज़रूर सूर्य देव को जल चढ़ाएं, गायत्री मंत्र का जाप करें और मंदिर में गुड़ का दान करें। ऐसा करने से बहुत सिंपल मैं आपको उपाय बताऊंगी, वो करने से जो ग्रहों की दशा आपके ऊपर चल रही है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं वो दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर अच्छी अवस्था में नहीं है, खराब है, दशा बुरी है तो भगवान शिव की आराधना करें, उनको जल अर्पित करें, साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। सोमवार के दिन सफ़ेद वस्तु का दान करें और सोमवार के दिन भगवान शिव को जल ज़रूर अर्पित करें, उनकी पूजा ज़रूर करें। ऐसा करने से आपका जो चंद्र का जो बुरी दशा है वो ख़त्म हो जाएगी और भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। अब बात करते हैं मंगल की। अगर मंगल की दशा आपके जीवन में खराब है, बुरी है तो हर दिन हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हो सके तो इस दिन यानी कि मंगलवार के दिन व्रत ज़रूर करें। मंगलवार का व्रत हनुमान जी की पूजा के साथ करें। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे जो कष्ट हैं मंगल की परेशानी की वजह से चल रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। अब बात करते हैं बुधदेव की। अगर बुधदेव अच्छी अवस्था में नहीं है, अच्छे आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है, आपको कोई परेशानियाँ हो रही हैं उनकी वजह से, तो आपको क्या करना है, माँ दुर्गा की आराधना करनी है। बुधवार के दिन माँ दुर्गा की आराधना करें और शाम के समय दुर्गा मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके जो बुध देव की जो दशा है या फिर कोई
बुध देव की वजह से जीवन में परेशानी है, क्योंकि बुध देव की वजह से हमारे व्यापार में परेशानियां आने लग जाती हैं, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, और मानसिक रोग जो है अच्छी अवस्था में अगर बुध देव ना हो तो मानसिक रोग तक हमें घेर लेता है। तो इसलिए आपको ये उपाय करने से आपकी जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में नहीं है, बहुत बुरी दिशा में है, नीच की स्थिति में है, तो नियमित रूप से आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी है और केले का दान करना है। ऐसा करने से कार्य में आ रही बाधाएं, परेशानियां बृहस्पति देव की वजह से वो दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव अगर बुरी दृष्टि में हैं तो माँ लक्ष्मी की आराधना करें, क्योंकि शुक्र जो है वो कारक ग्रह माने जाते हैं हमारे धन वैभव का। तो माँ लक्ष्मी की आराधना करें, शुक्र मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके ऊपर शुक्र की दशा तो अच्छी होगी ही, साथ में माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बहुत रहेगी। अब बात करते हैं केतु की। अगर आपके ग्रह में, आपकी कुंडली में केतु ग्रह अच्छे नहीं हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी संतानों से अच्छे संबंध रखने हैं, उनके साथ बहस ना करें और भगवान गणेश जी की आराधना करें और कुत्ते को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से जो केतु की जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी और आपकी जो कुंडली में है वो केतु ठीक हो जाएंगे। अब बात करते हैं राहु के उपाय क्या करना है। राहु ससुराल पक्ष का कारक है और ससुराल से आपको नहीं बिगाड़ना है। अगर आप राहु को ठीक करना चाहते हैं, सिर पर आपको चोटी रखनी है, माथे पर चंदन का तिलक लगाकर रखना है, भोजन कक्ष में भोजन करें, राहु की जो स्थिति है वो आपकी कुंडली में काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और घर में अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपको घर में ठोस चांदी का हाथी जो है वो अपने घर में रखना है, उससे जो राहु की दशा है वो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगी। और अगर पॉसिबल हो ये सब भी ना कर पाए तो माँ सरस्वती की आराधना तो ज़रूर करें। अब बात करते हैं शनि देव के बारे में कि शनि देव का कुप्रभाव हमारी ज़िंदगी पर काफ़ी समय तक रहता है, बहुत लंबी अवधि का होता है, तो उस प्रभाव को कम करने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए, या फिर शनि देव आपको परेशान ना करें, उनकी वजह से आपका जीवन जो है बिल्कुल ख़त्म न हो जाए, तो आपको लोग क्या उपाय करना है। यदि आप शनि की साढ़े साथी और ढैया से परेशान हैं या फिर महादशा से परेशान हैं, तो इस दौरान मांस का सेवन न करें, मदिरा का सेवन न करें, अन्यथा आपकी जो स्थिति है वो बद से बदतर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। अगर आपके ऊपर ये दशाएं चल रही हैं और अगर आप ये सब छोड़ देते हैं तो शनि देव की कृपा आपके ऊपर बन जाएगी और शनि का जो दुष्प्रभाव है उनमें कमी आ जाएगी। और लाल चंदन, अगर आप शनि के किसी भी तरीके से परेशान हैं तो लाल चंदन की जो माला है वो आपको गले में पहननी है, उससे शनि देव का जो अशुभ प्रभाव है वो कम हो जाता है। तो ये आपको करना है शनि देव के लिए। मैंने सारे उपाय जो आपको बताए हैं वो बहुत इजी बताए हैं, तो आपके ऊपर किसी भी ग्रह का कोई बुरा प्रभाव है, कोई दुष्प्रभाव है, तो उसको कम करने के लिए, उस दुष्प्रभावों में कमी लाने के लिए आप ये सब उपाय कर सकते हैं और जो परेशानियां हैं उनका आपको हल मिल जाएगा, आपकी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाएंगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और भगवान आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करे, आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।